हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। जय प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नवम अध्याय। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजानिश व असर मोह को जपे, मेरा करते ध्यान गावत नाचते प्रेम से, कूदत दे दे ताल, ढोल मदीला बजावते उत्तर उत्तम स्वरे निकाल, तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन। हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन, जो जोगी मम भक्त है मोहे अति प्रिय वह जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। जय प्रभु। अथ नवम अध्याय परमते राज विद्या अथवा राज गुहा योग। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन मैं गुहा से परम ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ, तू सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूँ? तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है, इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निलेप रहेगा। जितनी विद्या है जो गुहा वस्तु है उनका भी राजा है, और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है, और अगम पुरुष जो किसी के कहे से जाना नहीं जाता, जिसका प्रत्यक्ष जिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, जिस ज्ञान को जानने से अति सुंदर विनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। हे प्राण तप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जन्मते हैं। और अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है तिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पद ब्रह्मा आदि से लेकर चोटी पर्यंत जो बसे हैं सो जिस भांति विराट पर लोग बसे हैं सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, तैसे ही मेरे विराट रूप में लोग देहधारी भूत प्राणी बसते हैं, और सबके हृदय में मैं आत्मा राम ही बसता हूँ। एक रूप तेरे रथ पर है, दूसरा तेरे साथ कौतक करता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बताई। ऐश्वर्य योग कहा, सबके भरण पोषण हारा भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपार्जन हारा भी मैं हूँ, और निलेप कैसा हूँ उसका दीक्षांत सुन। जैसे नृत्य पवन का निवास आकाश में रहता है, आकाश को स्पर्श नहीं करता, यह सभी भूत प्राणी मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही में ही बसते हैं, और मैं ही इन सबके भीतर हूँ, और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन अर्जुन, जब वह संसार अपनी मर्यादा को पहचानता है तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होता है, और फिर इस माया और संसार का आदि मैं हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ, अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें मैं बारंबार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूँ, और यह जो सब भूत प्राणियों के गांव 84 लाख जीवों की योनि है वह अपने बस नहीं, माया के बस है। अर्जुन और सुन, मैं संसार को उपजाता हूँ और संहार करता हूँ, पर इस कर्म की का मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता, मैं निर्मोही उदासी हूँ, इन सबसे उदास हूँ, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टांत को पाकर तू निलेप न्यारा हो रहा है, अपने आप को निलेप जान। अब अर्जुन और सुन, जो यह मेरी प्रकृति माया है सो संसार जड़ जंगम जो उपजती है प्रकट करती है, दूसरे प्रकार संसार के उपजाने को तू मत जाने, ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो मनुष्य देह मैंने धारण की है सो मूढ़ अति ज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं सो सुन। की उनकी आशा सब निष्फल है, वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है, फिर कैसे हैं? राक्षसों जैसी उनका स्वभाव है, वह प्रकृति के मुहे हुए हैं, मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भक्त जन मेरे भजन करते हैं वह कैसे हैं? तिनकी बात सुनको, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है, मेरा भजन मुझको यह पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी ही महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरी भक्त हैं मुझको किस प्रकार पूछते हैं वह भी सुन। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि मैं परमेश्वर पार ब्रह्म हूँ जो अनेक रूप होकर परसरया है, दूसरा वेद कोई नहीं है, और कहाँ कहाँ वह मुझको जानते हैं। अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, प्रकृति यज्ञ का नाम तुम इनमें कुछ भेद है, स्वाहा और स्वधा वचनों से जो कुछ अग्नि में होते हैं यह वचन भी मैं हूँ, खीर आदि से लेकर जो अन्य सो भी मैं हूँ, यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो भी मैं हूँ, विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ, यज्ञ जुजुर साम यह वेद भी मैं हूँ,
सबका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास सोने का ठाहर भी मैं हूँ, संसार मेरी शरण है, मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका प्रलय और गति करता भी मैं हूँ, विश्व में मेरे में लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूँ, इस कारण से मेरा नाम निधि निधान कहा है, सबका विनाशी बीज हूँ, सूर्य होकर मैं ही तपता हूँ, प्रलय होकर मैं ही प्रलय भी मैं ही करता हूँ, मैंने ही देवताओं को अमर किया है, मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही नृत्य लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं तिनको पाप तिनके पाप काटे जाते हैं, जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वह अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग के दिव्य भोग भोग कर जब अपने अपने पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं फिर मनुष्य लोक में अजन्म पाते हैं, जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं, पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं, यह बात निश्चित है कि कामना वाले का सुख नहीं। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुन, मेरे भक्त मन का निश्चित चेता मेरे श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं, तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर से सावधान होकर फिरता हूँ, और इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देते हैं, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ, सो देख कैसे सावधान होकर तेरे रक्त की रक्षा करता हूँ, अपने दिव्य महिमा का मैंने कर तेरे मन को मैंने अपने साथ दृढ़ करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़ों को हाँकता हूँ, मैं ऐसा अपने भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ, हे कुंती नंदन मैं जैसा तेरे अधीन हूँ ऐसा किसी के साथ नहीं है, अर्जुन जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति की से उपासना करते हैं सो सभी मेरी पूजा करते हैं और भूल कर करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन सर्व यज्ञ भोगता मैं ही हूँ और सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ, जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वह जन्मते मरते हैं, जो प्राणी पितरों की उपासना करते हैं सो पितृलोक में जाप प्राप्त होते हैं, जो मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं देवलोक में जाप प्राप्त होते हैं, जो मुझ पार ब्रह्म की उपासना उपासक है सो मुझ में आ मिलते हैं, हे अर्जुन मैं शालिग्राम हूँ सो मेरा पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं सो इनमें मेरे भक्त की प्रीति सात पुष्प पात्र जल समर्पण करते हैं, सो मेरे भक्त सो अपने भक्तों की दिया प्रीति साथ लेता हूँ, जो तू भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे हे सो सब मेरे में समर्पण कर तिनका क्या फल क्या मिलता है, संसार के सब बुरे भले कर्मों का फल सुख दुख के बंधनों को काट देता है, हे अर्जुन मैं सब प्राणियों के साथ एक सामू किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, और जो भक्त मुझे सिमरन करते हैं तैसे ही मैं उनका भी सिमरन भजन करता हूँ, अब अर्जुन और सुन जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी किसी समय आनंद होकर मेरा सिमरन करता है कि श्री कृष्ण जी मैं जैसा कैसा हूँ आपकी शरण हूँ मैं तुम्हारा हूँ, हे अर्जुन को भी तू साधु ही जान, जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया तो उसको साधु होते क्या लगता है, मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, जैसे लकड़ियों की पोट को एक ओर से अग्नि लगावे एक घड़ी से में भस्म हो जाती है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पापों की पाप क्या वस्तु है, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है, हे कुंती नंदन जो मुझको पाप योनि में होकर भी सिमरे कौन पाप योनि वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति का अधिकारी होएगा, ये निश्चय जान जो मेरे भक्त है तिनका नाश नहीं होता है, अर्जुन ब्राह्मण का पुण्य जन्म है सो मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, तिस कर्तात होने का कुछ आश्चर्य नहीं, तिस कारण है अर्जुन मनुष्य देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरे भजन कर, अब मनुष्य देह का वर्तमान सुन, जो कैसी मनुष्य देह है सदा नहीं क्षीण भंगुर है तत्काल नाश हो जाता है, रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है, यह तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं, अब इस देह की बड़ाई सुन, जब यह जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है तब मेरे जन्म जानने का ज्ञान पाता है, मुझे पहचानकर मेरी स्मरण करता है, मेरे भजन के प्रताप से मेरे विनाशी परमानंद पद में आ प्राप्त होता है, मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह है, इसकी बड़ाई कही इस कारण से है, अर्जुन यह देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरे भजन कर और भजन सुन, मन का दृढ़ निश्चय मेरे में रख, मेरा भक्त हो मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय कर भजन कर, दोहा पाठ ऐसे हो के आए बसो मम लोक, मुझको प्राप्त होए कर जाओ सब जाए सब शोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा मेरा भजन सिमरन कर मेरे साथ ऐसा आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अवैध हो ओम नमो नारायण।
नारायण कहो। जय प्रभु। अथ नवम अध्याय महत्तम। श्री भगवान वाचे लक्ष्मी तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम का शूद्र रहता था। बड़ा पापी मांस मदिर आहारी था। जुआ खेलता, चोरी करता पर स्त्री रमता। ऐसा पापी कदमी था कि एक दिन मंदिर मदिरा पान से उसकी देह छूटी। वह मरकर प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण उसी नगर में रहता था। दिन को वह भिक्षा मांगता था, स्त्री को भिक्षा मांगकर स्त्री को देवे। उसकी स्त्री बड़ी कुलहनी थी, वह कभी किसी को भिक्षा ना देती। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी एक वृक्ष के तले आ रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते एक काल व्यतीत हुआ। एक दिन स्त्री पिशाचिनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना करी थी जिससे तुझे पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। यह फिर पिशाचिनी ने कहा कि तैने कौन और साधना की थी कि वह ब्राह्मण कौन था? वह अध्याय कर्म कौन है, अध्यात्म कर्म कौन है जिससे सुनने से तुझको पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा कि मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी के अर्थ श्लोक श्रवण किया था, उसके प्रयोजन यह। एक समय अर्जुन ने यह श्री कृष्ण जी से तीन बातें पूछी जो श्री गीता जी के नवम अध्याय में लिखी है। वह तीन बातें पिशाचिनी ने विशाल से श्रवण करी। इस बात को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से बाहर निकला। उसने कहा कि री पिशाचिनी, यह बात फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा कि तू कौन है? मैं तुझको नहीं जानती। मैं अपने भर्ती से पूछती हूँ कि वह ब्राह्मण कौन था, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इस बात को सुनते ही प्रेत की देह छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये साधु, एक श्लोक गीता जी का प्रताप है जिसको सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की देह छूटी। तत्काल देव मार्ग में देवताओं ने रोक लिया था। कहा, तुमने ऐसे उग्र पुण्य किए जिनके करने से इतनी जल्दी वैकुंठ को चले हो। तीर्थ स्नान व्रत तपस्या दान पुण्य ऐसा कुछ नहीं किया जिसका यह फल तुमको मिला है। श्री नारायण जी की भक्ति नहीं करी जिस कारण करने के फल से वैकुंठ को जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण के मुख से हमने गीता जी के अर्थ श्लोक श्रवण किया था जिसके प्रताप से वैकुंठ को जाते हैं। तब देवताओं ने सुनते ही कहा कि श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से जीव वैकुंठवासी हुए हैं। वह तीनों वैकुंठवासी हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह नव अध्याय का महत्व है जो तुमने श्रवण कहा। हे प्रभु श्रवण किया। जय प्रभु। हे गोविंद हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु।